उनकी जड़ होती है। और उसके बहुत से फायदे भी होते so तो आज हम जड़ के तालुक से बात करेंगे मेक योर डीपर के अपनी जड़ को गहरा करो इफ यू अ रूट अगर आपकी जड़ होगी इफ डीपर अगर आप गहरे में जाएंगे वॉट यू विल हैव तो आपको क्या मिलेगा मैं फर्स्ट पॉइंट टू नंबर एक मैं बताने वाला हूँ तो तेजी के साथ ऊपर को जाएंगे नंबर एक वेन यू हैव रूट जब आपकी जड़ गहरे में होगी यू विल ग्रो फेस्ट तो आप बड़ी तेजी के साथ ऊपर को फड़ेंगे इफ

इफ यू हैव अगर आपकी जड़ है यू विल ग्रोफ तो आप तेजी के साथ ऊपर को भरेंगे लेटमीपल मैं आपको मसाल देता हूँ Many people that come in a church बहुत से लोग चर्च में आते हैं They said Sunday is a good वो कहते हैं इतवार बहुत अच्छा है They receive Christ वो मसीह को लेते हैं And when they receive Christ सब वो मसीह को कबूल करते हैं They है, said this is enough for them वो, वो कहते हैं काफी है हमारी जिंदगी के लिए If I accept Christ अगर मैं मसीह को कबूल कर लूंगा a citizen of the heaven और मैं स्वर्ग पर भी चला जाऊंगा to church every Sunday. हर इतवार आ जाना चर्च के अंदर. That is enough. ये काफी है. But that is not enough. What the Bible says. लेकिन बाइबल कहती है कि ये ईमानदार के लिए काफी नहीं है. To growing in Christ. मसीह के अंदर भरना परवेश पाना. Remaining in Christ. मसीह के अंदर कायम रहना. Make your root deeper in Christ. मसीह के अंदर अपनी जड़ को मजबूत बनाना. Then you will grow in Christ. और फिर आप मसीह में और फरते हैं. What I'm saying, I will tell you. जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको तर्तीब से बताना चाहता हूँ. Many people. बहुत से लोग. सिर्फ नामी मसीही के तौर पर हर एतवार को चर्च आते हैं की क्रिसमस पर I ask people, मैंने लोगों से पूछा व मीनिंग ऑफ चीस की यू का क्या मतलब है So people don't know the meaning of Jesus. लोगों को यीशु के नाम का मतलब ही नहीं आता. So if you don't know the meaning of Jesus. अगर आपको यीशु के नाम का मतलब नहीं आता. You don't know about Christ. तो मसीह के बारे में भी नहीं जानते. Are you taking me? समझ आ रही है आपको? So you come in a church. आप चर्च में तो आते you हैं. You receive Christ. आपने मसीह को तो कबूल किया है. This is first step. ये नंबर एक कदम है. दिस इज वॉट आई प्लांटेड प्लांट तो ये वो पौधा है जो मैं और आप लगाते हैं plant। अब मैं उस पौधे की गोटी कर रहा ख्याल कर रहा हूँ। Now I'm watering you। अब मैं पानी दे रहा हूँ आपको need to do? अब आपको क्या करना है grow। आपको भरना है You need to make your root deeper. आपको अपनी जड़ को और गहरे में लेकर जाना है so attending a church like a regular Christian चर्च के अंदर नामी तौर पर आना Is not make you a successful आपको कामयाब ईमानदार साधक रास्ते नहीं बनाता to growing in Christ मसीह में भरना आपको और कहलाता है। चर्च में आते हैं फिर आपको मसीह के बारे में सीखना है। आपको चर्च का हिस्सा बनना है part of the Bible school. आपको बाइबल स्कूल का हिस्सा

जमेंट अगर आप इंतजामिया का हिस्सा बनते हैं देन यू आर सर्विंग फिर आप उसकी खिदमत कर रहे होते हैं यू आर ग्रोइंग इन सीमे भर रहे होते हैं आर यू टेकिंग नहीं समझ आ रही है आपको

मैम सेकंड पॉइंट नंबर दो मेक योर रूट डीपर इन क्राइस्ट। के मे अपनी जड़ को गहरा बनाओ व्हेन यू विल मेक योर रूट डीपर। जब आप अपनी जड़ गहरी करते हैं यू विल रिसीव एवरीथिंग तो फिर आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं लेट मी एक्सप्लेन आपको मिसाल देकर समझाता हूं रूट तो उस पौधे की जड़े होती है फ्रॉम वेयर ही ईट कहां से वो खाता है कोई बताएगा कहां से खाता है वो ट्री डोट है माउथ दरखत का मुंह नहीं होता सो ट्री तो जो द्रख है Which you on the earth, जो आप ज़मीन ज़मीन पर लगाते हैं, वो सब कुछ जमीन से ले लेता है He वो सब कुछ उठा लेता है He take water, वो पानी भी लेता है He take food, वो खाना भी लेता है He take every mineral, वो सब मिनरल लेता है From their roots, अपनी जड़ के अंदर से Amen. Amen. So when you will make your root deeper, when you will grow in Christ, when you will go deeper in Christ, when you will receive every blessing. Amen. Because when you will make your root deeper, you will start receiving from the Lord.

i am not receiving my children मैं अपनी औलाद नहीं ले रहा why क्यों because there is no root वजह ये है कि आपकी जड़ ही नहीं है you are a artificial plant that is planted आप मस्नुई तौर पर एक पौधे की मानत है are you taking me समझ आ रही है

Whenever enemy attack over me, जब भी अबलीस मुझ पर हमला करता I है, I receive my healing. मैं अपनी शिफा को लेता हूँ. I don't need help of the people. मुझे लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती. Because I am deeper in Christ. क्योंकि मैं मसीह में जड़ में गहरा हूँ. So my healing. तो मेरी शिफा comes from the Lord. आसमान से खुदा की तरफ से आती है. Amen. Amen. Because I make my root deeper in Christ. क्योंकि मैंने अपनी जड़ को मजबूत किया है मसीह के अंदर. आप so आप में गहरे में होंगे, you will receive everything तो सब कुछ हासिल करेंगे, from the Lord. खुदा की तरफ से, ज़बूर एक और उसकी तीसरी आयत में लिखा है और उस द्रख की मानत होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया जो अपने वक्त पर

लोग क्यों एक जमीन जो है वो नहर के करीब लेते हैं या दरिया के पास लेते हैं हेलो बिकॉज देर इज स्लोर ऑफ वॉटर ताकि उनको बहुत सा पानी मुयसर हो जोर ऑफ फ़ूड। बहुत सा खाना हासिल कर सके सो so तो जो साधक लोग हैं

तो चर्च कलीसिया आपको भी खुश आमदीद कहेगी जैसे ही लोग जाते हैं go, जितना आप गहरे में जाएंगे दर्च इज अवेलेबल फॉर यू तो कलीसिया आपके लिए भी वैसे ही तैयार होगी हेलो हेलो आर यू अंडरस्टैंडिंग द मैसेज समझ आ रही है पैगाम की दोनों हाथों को ले रही है अब दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए my third point number 3 when you will make your root deeper जब आप अपनी जड़ को गहरा बनाएंगे you will become a stronger तो फिर आप ताकतवर बन जाएंगे amen amen what was the first point नंबर 1 क्या था बताएगा कोई when you will go deeper जब आप गहरे में जाएंगे तो फिर तेजी के साथ second point नंबर दो क्या था जब आप गहरे में जाएंगे तो सब कुछ पा लेंगे थर्ड पॉइंट नंबर तीन क्या है वेन यू विल मेक योर रूट डीपर जब आप अपनी जड़ को गहरे में लेकर जाएंगे यू विल बिकम अ स्ट्रॉग तो फिर आप ताकतवर बन जाएंगे मैन हाले लुया रूट विल बी जितनी गहरी आपकी जड़ होगी

Because you are receiving everything. You are getting your food. You are getting the money. You are getting the water. You are getting your healing. You are getting the car. You are getting the house. Now you are stronger. You will not just grow physically. Hello. You will not just grow physically, आप पर बदनी पर नहीं हैं। लेकिन जब आप अपनी चर को गहरा करेंगे, you will grow spiritually. आप रूहानी तौर पर भी फटते जाएंगे उसमें Amen. Amen. There is a difference। यहां पर एक मुख्तलिफ बात है Between a regular church member, एक आम तौर पर नामी मसीही के दरमियान में और अ बिलीवर और ईमानदार के درمیان में when a regular church member comes in a church एक जब नामी मसीही चर्च में आता है he just see the decoration of the church वो सिर्फ चर्च की इधर-उधर की चीजों को देखता है hello, listen it, ऐसा ही है but when the believer come in a church लेकिन जब ईमानदार चर्च में आता है खुदा के घर में

becomes strong मज़बूत होती है when your roots are deeper in Christ जब المسيकियन आपकी जड़ गहरी होती है amen amen if you remember my message अगर आपको मेरा पैगाम पिछला याद हो i share with you when jesus entered in your life जब यीशु आपके जिंदगी में आता है then jesus operate through your life तो फिर यीशु आपके जिंदगी के जरिया से काम करता है डू यू रिमेंबर द मैसेज याद है आपको पैगाम ये वाला हेलो कितने लोगों को याद है सच्ची हाथ उठाए दोनों हाथ उठाए जरा I have shared in that message. मैंने उस पैगाम में शेयर किया था. When Jesus enter in your life. कि जब यीशु आपके जिंदगी में आता है. Then Jesus don't adjust with your circumstances. तो फिर यीशु आपके हालातों के साथ जो है

the people look i have seen in my life many a priest and gimbe deka who are doing drugs and smoking for cigarette pite church pite but when Jesus entered in their life. Lekin jab unke mein aata, they leave drugs. They leave alcohol. Bhi te, bhi because they have an encounter with Jesus. Unka samna se ho jata it pae. never happened. Ne aisa hua. When Jesus entered in your life. And Jesus will say to you drink alcohol. No don't worry. Aur मैं तेरे ले कोई गल नहीं को बदल देता है My पॉइंट यहां पर मेरा पॉइंट है Your spiritually grow in Christ. आप यहां पर रूहानी तौर पर में भरते हैं It's mean

i was very aggressive man i fight with everyone i don't want any person will see me i don't like it i start fighting with people but when Christ me. लेकिन जब अल मसी मेरी जिंदगी में आया उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया Amen. Amen. Now abuse us. अब लोग हमें गालियां भी देते हैं बुरा भला भी कहते people हैं talk us. लोग हमारे खिलाफ बातें भी करते हैं लिखते भी हैं पीपल डू everything what they can। जो वो कर सकते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं करने की

वॉन्ट टू फाइट यहां था कि मैं लड़ना चाहता हूँ, but I can't do it. लेकिन मैं नहीं कर पाता लेकिन वो लड़ाई मैं शतान से लड़ लेता हूं आपके लिए When you will make your root deeper, जब आप अपनी जड़ को गहरा बनाएंगे यू विल बिकम अ स्ट्रांगर तो फिर आप ताकतवर बन जाएंगे. मजबूत बनेंगे in that point और इसी मजबून के अंदर फिर मेरा दूसरा point है नुकता है you will prayerfully strong के आप दुआया तौर पर मजबूत बन जाएंगे Amen.

देखेंगे तो वो जो है वो मन बल्कि मुस्बत बातें करते हैं क्योंकि वो खुदा के रू के साथ जुड़े होते हैं दोनों हाथों को बुलाकर जोरदार तालियां बजाएर पॉइंट एक और चीज वेन यू विल मेक यूर रूट डीपर जब आप अपनी जड़ को गहरा बनाए यू विल मेंटली स्ट्रांग तो फिर आप जहनी तौर पर जो है मजबूत बन जाएंगे मैम आ The द माइंड ऑफ क्राइस्ट मसी का जहन विल ऑपरेट थ्रू योर माइंड वो आपके जहन से होकर काम करेगा ठीक है ले लीजिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत जरूरी है वेन यू डील विद वर्ल्ड जब आप दुनिया के अंदर रहते हैं यू सी मेनी प्रॉब्लम आप बहुत सी चीजों का सामना करते हैं इन योर बिजनेस अपने कारोबार के अंदर एट योर वर्क अपने काम पर इन योर रेगुलर लाइफ और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप मसीह के साथ Christ, और आपका जहन का जहन होता है then you will don't take yourself. तो आप अपनी ताकत से कुछ नहीं करते आपकी रहन करता है कार्ड विल काइट यू वॉट इज दिजनेस फॉर योर लाइफ खुदा आपको बताता है कि आपके लिए बेहतर कारोबार कौन सा है कि कौन सी राह पर तुझे जाना है Amen. Are you understanding me? अंडरस्टैंडिंग समझ आ रही है My last point. आखिरी बात you will go deeper. जब आप गहरे में जाएंगे जड़ को मजबूत करेंगे यू विल बी एबल टू फेस एवरी स्टोर तो फिर आप हर तूफान का सामना करने के काबिल बन जाएंगे Amen. Amen. If you will see a big trees, अगर आप एक बड़ा दरख देखते हैं who will have a stronger root, जिसकी जड़ें बहुत मोटी होती और गहरी होती हैं। When the storms come, जब तूफान आते हैं आंधियां चलती हैं। The है, big trees will stand firm. तो जो बड़ा द्रख होता है वो खड़ा रहता है बट द ट्रीज लेकिन कुछ ऐसा द्रख भी होता है वेन द स्टोन जब तूफान आते हैं एंड दे डिस्ट्रॉइड तो वो उनको तोड़ देता है वो तबाह हो जाता है वो because, खड़ा नहीं रह पाता डोंवर रूस क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत नहीं होती are you taking me there are people in a church Church ke when they come in a church they don't have a strong roots when somebody said to you why you are coming to church take your shoes off we don't have a strong roots. हमारी जड़े ही मजबूत नहीं होती वी स्टार्ट फाइटिंग विदीप हम लोगों के साथ लड़ने लगते हैं मुझे, मुझे मौका नहीं दिया बिकॉज वी आर नोटर इन क्राइस्ट क्योंकि दरअसल हम सीमे मजबूत नहीं है Storms want to take you off. तो फॉर्ट जो है वो आपको खत्म कर देना चाहते हैं नो बॉडी वॉन्ट टू सी यू यूर सक्सेसफुल कोई भी आपको कामयाब नहीं देखना चाहता। आई टोल्ड यू फर्स्ट पॉइंट मैंने नंबर एक पॉइंट में बताया था वे यू विल ग्रो

Oh, they don't give me a chance. They don't call me at the front. They didn't give me a position. They leave the church. For them, it's not about Christ.

तो फिर कोई भी आपको गिरा नहीं सकता पर भी आप हैं। हैं। आप सी में you are, जहाँ भी आप में पर भी तरक्की को देखेंगे। पर भी आप है, you will the आप हैं। देखें को लेंगे पर भी आप है, you will face every storm. आप हैं। हाँ So today, तो आज के दिन मेक roots deeper डीपर इन मसी के अंदर अपनी जड़ को मजबूत अपनी जिंदगी को और ज़्यादा निखारे तैयार पर गौर करेंटेड नियर टू द रिवर एंड्रॉन्ग रूट कि क्या आप उस ट्रख की मानत है जो पानी के नदियों के पास लगाया गया हो और उसकी जड़ मजबूत हो

बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सब अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिए कोई हाथ नीचे ना रहे सब अपने दोनों हाथों को पूरा आसमान की तरफ उठाइएगा बिकम ऑफ देंज इन लाइफ आज का तेरा कलाम इनके जिंदगी के लिए तब्दीली का सबब बन जाएर गॉड आई बाप दुआ करता

अब आप ये ईमानदार हो

Kurram Dafsabuk Kobarkadı ve